तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कमाल की चीज बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी के कमाल के रूटीन्स बताने वाला हूँ, या एक चीज और बोल सकते हैं, मैं आपको पांच ऐसे रूटीन बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी के जिसको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और डेफिनेटली बहुत यूजफुल ये वाले रूटीन्स हैं। क्या ये रूटीन्स है, कैसे उसको यूज करेंगे, कैसे उसको इनेबल करेंगे, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोर, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। यहाँ पर जो सबसे पहला जो बताने वाला हूँ सबसे पहला जो रूटीन बताने वाला हूँ वो है साउंड को लेके, जो कि बहुत यूजफुल है। ये हर किसी के साथ होता है और ये काम का है। यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, हमारा साउंड जैसे हम घर पे हैं तो हम जानबूझ के लाउड रखते हैं कि हमारा मोबाइल कहीं पड़ा भी हो तो हमें साउंड सुनाई दे जाए। क्या अगर हम ऑफिस में हो, हम चाहते हैं कि हमारे मोबाइल की, एक तो यह हो सके तो हमारे मोबाइल की रिंग स्लो रहे या फिर वाइब्रेट पे ही रहे, हम ऐसा कुछ चाहते हैं यार। मैं तो ऐसा चाहता हूँ और बहुत सारे लोग भी ऐसा ही चाहते होंगे। तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर एक रूटीन बना सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपको बाहर ही मिलेगा मोड्स एंड रूटीन वाला ऑप्शन, उस पर चले जाना है। रूट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ जाना है रूटीन्स में, और यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इफ कंडीशन में क्लिक करना है। इफ कंडीशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, लोकेशन को चूज करना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्लेस। प्लेस में जैसा कि मैंने यहाँ वर्क लोकेशन ले ली, वर्क लोकेशन लेने के बाद ओके कर लिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया व्हेन आई अराइव या व्हेन आई लीव। व्हेन आई अराइव कर लिया और डन कर दिया। अब डन करने के बाद आप नीचे आएगा देन कंडीशन क्या। अब देन कंडीशन में आपको यहाँ पर करना है ऐड, और यहाँ पर आपको चूज कर लेना है साउंड को। मैंने यहाँ पर करा साउंड और साउंड पे क्लिक कर लिया। साउंड का यहाँ पर मैंने कर दिया वाइब्रेट पे। आप चाहें तो अगर आपको रिंग कम करना हो तो आप रिंग भी कम कर सकते हैं, और अगर आपको वाइब्रेट का चूज करना हो तो मैंने वाइब्रेट पे चूज कर लिया और यहाँ पर डन कर दिया, और यहाँ पर रिवर्स एक्शन भी कर दिया। और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, अब मैंने यहाँ पर डाल दिया अराइव एट लोकेशन और उसको यहाँ से डन कर दिया। जब भी मैं अपने वर्क लोकेशन पे, आप बोल सकते हैं जब भी मैं अपने ऑफिस में जाऊँगा, मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक वाइब्रेट हो जाएगा। जैसे ही मैं वो लोकेशन को लीव करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिक साउंड पे भी आ जाएगा। तो ये जो ट्रिगर है ये बहुत ही काम का है, बहुत ही यूजफुल है ये वाला रूटीन, जो डेली लाइफ में बहुत काम का है। उसके बाद दोस्तों आप जो सेकंड बताने वाला हूँ रूटीन वो है, दोस्तों दूसरा जो रूटीन है वो भी उसी से रिलेटेड है, बट ये डिवाइस के लिए। जैसा कि मान लो आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ स्पीकर लगाते हैं, ब्लूटूथ हेडफोन लगाते हैं, अपने कार में यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ भी अगर आपको स्पीकर यूज़ करते हैं तो आप पर्टिकुलर स्पीकर के लिए भी साउंड को सेट आउट कर सकते हैं कि जब भी मैं उस मोबाइल को, या बोल सकते हैं उस ब्लूटूथ से कनेक्ट करूँ अपने मोबाइल को, तो उसका जो साउंड है फुल साउंड में रखना चाहें तो फुल में रख दो, या नॉर्मल करना चाहें तो नॉर्मल कर दो, ताकि आप उसको बार बार कन्फिगर करने की ज़रूरत नहीं रखे। जैसे ही आप उसको कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक उस साउंड पे आपका लेवल पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको करने के लिए वापस वहीं रूटीन वाले सेक्शन में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, मॉडर्न रूटीन्स में जाना है, रूटीन्स में जाना है, ऐड में जाना है, इफ कंडीशन में चले जाना है। अब इफ कंडीशन में क्या करना है, अपन को नीचे जाना है, यहाँ पर आना है ब्लूटूथ डिवाइस पे, यहाँ पर कनेक्टेड डिवाइस पे जाना है, डिस्कनेक्टिंग डिवाइस पे भी आप, तो यहां पर आपको जाना है ब्लूटूथ डिवाइस पे। ब्लूटूथ डिवाइस के बाद आपको यहां पर कनेक्टेड और डिस्कनेक्टिंग जो भी रहना हो आपको यहां चूज कर लेना है। पहले तो अपनी डिवाइस का नाम यहां पर आके ब्लूटूथ डिवाइस पे तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ ब्लूटूथ डिवाइस पे जाना है। ब्लूटूथ डिवाइस पे जाके यानी डिवाइस का नाम पे चूज कर लेना है, जिस डिवाइस के लिए आप लगाना चाहते हैं। जैसे कि मैं रियलमी बड्स के लिए लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आ गया और कनेक्टेड मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया और उसको डन कर दिया। डन करने के बाद अब मैं यहाँ कंडीशन लगाने वाला हूँ कि इस कंडीशन में क्या हो। तो अब मैं इस कंडीशन पे आ गया हूँ साउंड एंड वाइब्रेशन पे, और मैं आ गया मीडिया वॉल्यूम पे। मतलब कि जब भी मैं अपने मोबाइल में ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ करूँ, पहले तो ब्लूटूथ का जो ऑडियो लेवल है ज़्यादा हार्ड ना हो, ताकि मेरे कानों को तकलीफ ना हो, और ये सब यहाँ पर नॉर्मल रहे। आप देख रहे हैं आपने यहाँ पर सेट कर दिया, अगर आप फुल कर देंगे तो फुल पे भी आ जाएगा, और वो लो कर देंगे तो लो भी कर देंगे। मतलब जब भी अगर वो जिस कंडीशन में भी हो आप यहाँ पर सेट कर दो, और उसी जब भी वो कनेक्ट डिवाइस होगी वो उसी लेवल पर वहाँ पर चलेगा और ये डन हो जाएगा, और ये सेव कर देंगे। तो जब भी मेरे मोबाइल ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट होगा रियलमी बड्स का, उसका जो वॉल्यूम है ऑटोमेटिक उस लेवल पे ही सेट होगा, जो कि मैंने अभी यहाँ पर सेट आउट कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। उसके बाद दोस्तों थर्ड रूटीन बताने वाला हूँ, जो थर्ड रूटीन है
वो भी बहुत काम का है। वो काम का कैसे है, मान लो आप अपने मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं या फिर आप ऐसा कुछ करते हैं जैसे वीडियोस देखते हैं, तो आप चाहते हैं जो आपकी मोबाइल का जो तो आप चाहते हैं जो उसका रिफ्रेश रेट है वो चेंज होता रहे, ताकि आपके मोबाइल की बैटरी भी बची रहे और जब आप उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करो तो आप हैवी उसमें यूज़ कर सकें, ताकि आपको वहाँ पर भी कोई दिक्कत ना हो और आप परफॉर्मेंस का इंजॉय कर सकें। तो उसके लिए वापस आपको जाना है, लाइक आपको कोई गेम खेलना हो या कोई वीडियोस देखना हो, जैसे मैं आपको बताऊँ वापस आया मॉडर्न रूटीन्स पे, रूटीन्स पे आ गया, यहाँ पर आ गया प्लस में और यहाँ इफ कंडीशन में आ गया, यहाँ पर स्टार मैनुअल पे क्लिक कर लिया, यहाँ पर आपको गए, यहाँ पर आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है, यहाँ नीचे जाएंगे ऐप ऑपर में जाएंगे, गेम्स वाले भी आप चूज कर सकते हैं, गेम इज प्लेड तो आप यहाँ पर ये भी चूज कर सकते हैं, गेम इज प्लेड पे भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जाएंगे ऐड पे, ऐड पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर डिस्प्ले में, डिस्प्ले जाने के बाद आपको मोशन स्मूथनेस पे चले जाना है और उसको बाय डिफॉल्ट हाई पे सेलेक्ट कर देना है, 120 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे सेट कर देना है। अब इससे क्या होगा, जब भी मोबाइल में गेम पे खेला जाएगा तो 120 हर्ट्ज इस पे ही खेला जाएगा रिफ्रेश रेट पे, ताकि आपको हैवी क्या बोल सकते हैं, हैवी गेमिंग एक्सपीरियंस मिले या आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हैवी वहाँ पर मिले, तो आप यहाँ पर उसको भी यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ बताने वाला हूँ वो भी बहुत काम का है। वो दोस्तों ऐसा है कि आप मान लो अपने मोबाइल में बहुत सारे रीडिंग्स बुक करते हैं या कुछ रीड्स करते हैं या नाइट में अपने मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको उसको सेट आउट करना चाहिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा आने वाला है। कैसे, आपको यहाँ प्लस पे चले जाना है, प्लस पे जाने के बाद ऐड पे ऑप्शन पे चले जाना है, यहाँ पर जाना है आपको ओपन पे, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है ओपन ऐप पे, ओपन ऐप पे जाने के बाद आपको ऐसी ऐप्स को सिलेक्ट कर लेना है जिनको आप नाइट में यूज़ करते हैं और जिसमें सिर्फ आप पढ़ना ही पढ़ते ही हैं, लाइक मान लो मैं यहाँ पर ये कोई ऐप है जिसमें कुछ पढ़ता हूँ, मतलब उसके बारे में से गूगल क्रोम पे मैं कुछ ब्राउजिंग करूँगा तो उसको रीड ही करूँगा, ठीक है, और या अगर आप चाहें तो फेसबुक पे भी लगा लो, इंटरनेट पे भी लगा लो, इंटरनेट बीटा पे भी लगा लो, आपको जो जो ऐप्स को सिलेक्ट कर लेना है और उसको यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड पे जाएंगे, ऐड पे जाने के बाद आपको वापस यहाँ डालना है डिस्प्ले पे और यहाँ पर आपको आई कम्फर्ट शीट को ऑन कर देना है। अब क्या हुआ, अब जब भी ये वाली ऐप्स यूज़ करेंगे तो आई कम्फर्ट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जिससे आपकी आंखों को काफ़ी हद तक सेफ्टी मिलेगी, आप बोल सकते हैं उसको नुकसान नहीं होगा, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो कि दोस्तों अब लास्ट वन जो बताने वाला हूँ रूटीन, जो कि बहुत ही काम का है और ये सबके साथ ज़रूरत पड़ती है, मुझे तो बहुत लगती है, मुझे लगता है आपको भी ये यूज़ करना चाहिए और बहुत काम का है। दोस्तों जैसा कि ये इसलिए बताने वाला हूँ, आप यहाँ पर वापस आएँ, इफ़ में आएँ और ऐप ओपन को पे वापस जाएँ। अब ऐप ओपन के पास आप वाली ऐप सेलेक्ट करो जिसमें आपको रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है, आप हो सकते हैं रोटेशन करके देखने की ज़रूरत पड़ती है, लाइक आपको वहाँ पर रोटेशन वाली चीज़ किसको पे ज़रूरत पड़ती है, वीडियो देखने पे, तो आप यहाँ पर गैलरी को भी चूज़ कर सकते हैं, गैलरी को भी चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप यूट्यूब को चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई प्लेयर यूज़ करते हैं वीडियो प्लेयर तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर और ऐसी कोई ऐप जिसमें आपको बार बार मोबाइल को रोटेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको भी यहाँ पर चूज़ आउट कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये चूज़ कर लिया है, मैंने यहाँ डन पे क्लिक करा, डन पे क्लिक करने के बाद मैं ऐड कंडीशन पे गया, ऐड कंडीशन में जाने के बाद मैं वापस गया यहाँ पर स्क्रीन रोटेशन में, जो कि ऑटोमेटिक उसने सजेशन कर दिया है, और आपने क्या करना है, स्क्रीन रोटेशन को ऑटो रोटेट पे क्लिक कर देना है। अब जब भी क्या होगा, जब भी आप ये तीनों ऐप्स खोलेंगे तो आपके मोबाइल में ऑटो रोटेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जिसमें आप बार बार अपने मोबाइल को ऑटो रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक मैंने यहाँ गैलरी को ऑन कर लिया और मैं यहाँ पर यूँ करूँगा, मेरा मोबाइल ऑटो रोटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला काम करता है, और जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा गैलरी ऐप को, ऑटो रोटेशन ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाएगा। इस तरीके से वाले रूटीन्स ऑन कर सकते हैं, और भी अच्छे अच्छे रूटीन्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ये तो मैंने कुछ ऐसे रूटीन्स बताए जो डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू सो मच।